मनीप, देखिए संकेत तो अच्छे हैं हफ्ते की शुरुआत करने के लिए। थोड़ा सा ये जो ईरान से रिलेटेड ग्लोबल डेवलपमेंट हुए हैं उस पर थोड़ी सी नजर रहेगी, लेकिन उसके अलावा ओवरऑल संकेत अच्छे हैं। और भारतीय बाजारों ने वैसे तो शुक्रवार के अमेरिकी बाजारों की तेजी में शनिवार को रिएक्शन दे दिया था, कल जो कुछ हुआ रिकॉर्ड हाई बनने के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई है, उसका लिमिटेड असर रहेगा, कोई खास नहीं। तो मुझे लगता है कि बायो डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए और गिरावट में खरीदारी का मौका आपको देखना चाहिए बाजार में। और जहां तक एक्शन का सवाल है, मुझे लगता है कि अब 22,350 22,425 ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा आज के लिए। रूपी स्तर पर 22,600 22,700 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, यहां पर भी 48,000 के ऊपर की अच्छी क्लोजिंग आपको देखने को मिली है शनिवार के स्पेशल सेशन में। अब जो सपोर्ट है 47,850 48,000 का रहेगा आपके लिए बैंक निफ्टी पर, और ऊपरी स्तर पर 48,425 से 48,575 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी हो सकती है, ये आप ध्यान में रखिए। ओवरऑल संकेत अच्छे हैं लोकल भी और ग्लोबल भी, इसलिए जो पिछले हफ्ते तेजी बनी है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश भारतीय बाजारों की जरूर होनी चाहिए। जी बिल्कुल, तो आज का एक्शन अच्छा है, पिछले हफ्ते की जो हमारी बाजार की रिकवरी थी वो बरकरार रहनी चाहिए। एंड ऑफकोर्स 8 बजे पूरी डिटेल में अनिल जी के साथ डेटा और स्ट्रैटेजी समझेंगे। फिलहाल आज के लिए नजर डाल दीजिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और अपसाइड लेवल्स जो आपके लिए निकल कर आ रहे हैं।